हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है MS Excel। MS Excel में हमने पिछले वीडियोस में एज कॉल शीट आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सैलरी शीट। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सैलरी शीट का यूज़ कहाँ किया जाता है। एक्चुअली सैलरी स्लिप जब बनती है उसमें कुछ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। एक्चुअली सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, टाइम टेबल शीट एंड कंपनी सैलरी शीट मिलके ही सैलरी स्लिप बनती है। उसको मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे सैलरी शीट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी एंड HRA DA TA एंड टोटल सैलरी PF ESI एंड नेट सैलरी। तो यहां पे मैं आपको ये आपका है ना HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, है ना स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस। एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, या फिर किसी अच्छी सैलरी पैकेज पे कोई प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए अप्लाई होते हैं। तो ज़्यादातर ये HRA DA TA ये गवर्नमेंट वालों के लिए होते हैं। और यहाँ पे PF तो नॉर्मली जो रजिस्टर्ड है, जो किसी लीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं उनके लिए PF तो कटता ही कटता है, और ESI आपके मेडिकल से करता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो HRA देखिए यहाँ पे 4% दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। ये तेजस्वी एक स्टूडेंट्स हैं, इनका यहाँ पे सैलरी है 50,000। तो देखिए यहाँ पे सेल नंबर क्या है, B3। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, B3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4%, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए आपका यहाँ पे 50,000 के यहाँ पे कर दिया 4%, ये देखिए स्टूडेंट्स, तो B3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे 100 ना लिख के डायरेक्टली अगर परसेंटेज का साइन दे देते हैं तो फिर भी आपका देखो 2000 शो करेगा, मतलब अपॉन 100 या परसेंटेज का साइन आप डायरेक्टली दे के इसको निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो स्टूडेंट्स, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे 4% कोई फिक्स नहीं होता, ये आपका सैलरी और आपका पोस्ट और उसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना परसेंट HRA लग रहा है। एक्चुअली HRA क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने के लिए जैसे घर मिलता है, मकान मिलता है, तो अगर वो उस घर पे मकान पे नहीं मतलब रहता है, वो सुविधा अगर नहीं उठाता है तो उसका अपना खुद का घर रहता है। तो क्या होता है, जिसका खुद का अपना घर है उसको ये HRA मतलब जुड़ के मिलता है, ये सैलरी में टोटल मतलब मिलता है पूरे मंथ का। उसके बाद डी होता है डेयरनेस अलाउंस, स्टूडेंट लिख लीजिए, डीआरएनएस अलाउंस होता है महंगे भत्ता। तो जैसे इसमें 3% है, यहाँ पे कितना भी परसेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका एरिया और पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे 3% है, 4%, तो गवर्नमेंट की तरफ से महंगे भत्ता के ऊपर भी कुछ परसेंट मिलता है। तो देखिए मैंने इसका भी निकाल दिया, B3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, ये देखिए 1500 3%। अब देखिए TA निकाल रहे हैं, TA के लिए देखिए हमने B3 TA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, देखते हो ना आना जाना फ्री। तो देखो कुछ लोगों को, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपना खुद का कार होता है ना, और कुछ लोग क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड मिलता है, वो सरकारी ऑफिसर है तो उनको आना जाना फ्री होता है, DTC वगैरह या फिर खुद का कैब होता है ले जाने के लिए, गाड़ी लेकर आ जाने के लिए, लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए खुद का है ना कन्विंस होता है किसी किसी का। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आने जाने के लिए सुविधा दी जाती है, कार कैब है ना इस तरीके से। तो देखिए वो होता है TA ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग जिनका फ्री होता है, कार्ड बने रहते हैं जो गवर्नमेंट के सफ़र करता है या फिर कैब भेजा जाता है, जो जिसका खुद का अपना कार है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा अप्लाई नहीं करता है, तो उनके फिर यहाँ पे HRA DA TA वहाँ पे जुड़ के मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट सुविधा जो यूज़ नहीं करते हैं है ना, तो उसके लिए होता है, जिसका खुद का अपना कार है, गाड़ी है, कन्विंस है, तो उसके लिए फिर TA वो सैलरी में जुड़ के मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ये देखिए 1.5% इतना आ गया। अब होगा क्या, HRA DA TA जुड़ के मिलता है सैलरी में, जैसे तेजस्वी का 5000 सैलरी है, तो देखिए यहाँ से B3 से लेकर ये E3 तक आ रहा है, इज इक्वल टू सम एंड सेलेक्ट दिस एरिया, रेंज ऑफ एरिया, नंबर ऑफ एरिया, एंटर करते ही देखिए आपका 54,250 आ गया। PF क्या होता है, प्रोविजनल फंड, ये कटना ही कटना है, जो लीगल वे में काम करते हैं, जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी कंपनी में, किसी मॉल में काम करते हैं, उनका PF कटता है। अब PF का क्या होता है, आप देखते हो कुछ गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि 20 साल 30 साल
के बाद उनका मतलब आपका रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट देख तो थोड़ा थोड़ा 11-12% करके जुड़ता है, जब छोड़ते हैं तो 20-30 लाख या फिर अपने अकॉर्डिंग जो सैलरी उसके हिसाब से 10-20-50 लाख कुछ मोटा अमाउंट मिलता है, तो वो PF होता है। यहाँ तक कि आप किसी मॉल में भी काम कर रहे हो, 8,000 सैलरी है, 3-4 साल 5 साल आपने टारगेट डाला, तो उसके बाद भी 1-2 लाख 4 लाख जो भी मिलता है मतलब इकट्ठे है ना आपको विद इंटरेस्ट के साथ जो आपको मिल रहा है वो PF होता है। तो PF हम यहाँ से निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 12, PF का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट प्रोविजनल फंड डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, एंटर। ये देखिए ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 12% इसका आपका कट गया 6,000। ESI होते हैं मेडिकल से, इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये आपका जैसे 1.5% है, 1% कितना भी हो सकता है, जैसे मुझे निकालना है इज इक्वल टू यहाँ पे 50,000 का ले लिया मल्टीप्लाई, अब मैंने 1.2 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, जैसे एंटर करोगे देखो यहाँ पे 600 आया। एक्चुअली क्या हो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपका आया, देखिए नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है यहाँ पे एम्प्लॉय का 1.2% है 600। तो देखिए ये PF और ESI इसमें कट जाएगा मतलब नेट सैलरी, क्योंकि एंड में मिलता है। ESI क्या होता है, जैसे आपका सपोज करो ऐसा ना है कि कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें आपके जो मेडिकलम होता है जिसमें आपका बेड मेडिसिन है ना, इसमें कुछ डिस्काउंट छूट मिलते हैं, तो उसे कहते हैं ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या कट रहा है PF, ये तो जब आप रिजाइन करते हो, जब छोड़ते हो, जब आपको मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे इज इक्वल टू आपको ये टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी मतलब ये तो आपको मिलना ही मिलना है, और F3 में से माइनस आपका PF हो जाएगा एंड माइनस आपका ESI हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे टोटल कितना होगा 47,650। आप अगर इन सबको सेलेक्ट करके आप नीचे ड्रैग करेंगे स्टूडेंट, तो आपका डेटा पूरा का पूरा ओवरऑल सभी का आ जाएंगे, जो जो आपके एम्प्लॉय हैं, जिसका देखिए देखो योगेंद्र जी का 90 है, हरीश का है 56,000, विशाल का है 23,000, पूजा का 21,300। तो इस तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार पोज करके आप इसका एक बार फार्मूला लिख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं ऐसे नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगा, और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।